अगर मेरा बेटा अपराधी होगा या मेरे बेटे पर कोई इस तरह की अलसना है, अगर वो सिद्ध होता है तो फांसी उसको दे देना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा चीज़ होता है इज्जत सर, क्या अपने इज्जत को भी दांव पे लगा सकती है एक लड़की किसी पे आरोप लगाने के लिए? आप उस बच्ची को आप अपने स्कूल में कितने दिनों तक आपने पढ़ाया? जो दोस्त हैं उनकी बेटी आपके बेटे पे इस तरह से आरोप लगा देते हैं, क्या सर ये तो मतलब मामला कुछ समझ में नहीं? इन वीडियो की भी जांच की जाए, जितने भी वायरल वीडियो हो अगर उसकी सही ढंग से लैब में जांच होगी तो पता चलेगा ये सब मैनिपुलेट। 3 साल हो गए उसके शादी की, उसके बाल बच्चे भी हैं। स्कूल की एक मैडम है उस पर भी आरोप लगा दिया जा रहा है कि जब मेरे साथ दरिंदगी की तरह मतलब कि कर रहे थे, जो आपका बेटा है वो मैडम भी इन्वॉल्व थी, क्या वो मैडम सच में इन्वॉल्व? और क्या हमसे दुश्मनी होगी किसी को, इसमें तो कहीं कोई चीज़ हमको लगी नहीं रहा। मेरे साथ वीडियो बना के वो मेरे साथ गलत करते रहा, ये कहाँ तक? और बेटे से ज़्यादा हमारी प्रतिष्ठा हमने 40 वर्षों में कमाया है। स्कूल साफ टीचर था मैं, साइकिल से लोगों के डोर टू डोर में जाता था पढ़ाने। मैं एकाएक इस जगह पर नहीं हूँ, उसमें अक्सर बीमार रहती थी, उसके पापा को मैं बुलाता था और उसके पापा आकर उस बच्ची को घर ले जाते थे। दुख तो इस बात का है कि मुझे कोई सूचना नहीं है और वो पटना से ही उसे उठा लिया गया। साजिश इस वजह से है कि वो लड़की हमारे यहाँ से पास आउट भी नहीं बनी, 8th में पढ़ती थी, उसी समय उसके पापा ले गए। एक सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल खबर हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ 2 शब्दों में। खबर यह है कि एक लड़की पटना में रह के पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के दरमियान अचानक से उनके मन में ख्याल हॉस्पिटल पहुँचती है, और हॉस्पिटल जब पहुंचती है और चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के एक सुमित नाम के लड़के का नाम लेती है, जो कि सहरसा में उनका घर है और उनके ये पिताजी हैं। हालांकि इनके पिताजी शांति निकेतन शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर हैं और उनसे उनके पिताजी से हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। आरोप है वो आरोप जो है रेप का है, इससे 5 साल पहले इस स्कूल में पढ़ाई करती थी। क्या नाम है सर आपका, ये बात बताइए? अजीत कुमार विश्वास। अजीत कुमार विश्वास, जो एक लड़की जो आपके आपके बेटे पे सुमित कुमार जो आपका उनके बेटे आपके बेटे पे मतलब आरोप लगा रहे हैं, क्या यह आरोप सही है कि गलत है? सरासरी प्लान प्लान है, सरासरी गलत है। सर सच्चाई क्या है? सर सच्चाई मुझे ही पता नहीं, हमारे लिए ये सीधे प्लानिंग है हमें बदनाम करने का, हमें षड्यंत्र के तहत बदनाम करने का, ये बहुत बड़ी चाल है साजिश है जी। और इस साजिश के पीछे क्या है वो तो जब सामने आएगी बात तभी समझ में आएगी। सर एक सवाल यहाँ पे उठ रहा है, आप बोल रहे हैं मतलब कि एक तरह से प्लानिंग क्या हुआ है, ये जो साजिश है सर इसको साजिश आप क्यों, जो लड़की मतलब कि आपके कोचिंग बच्चे बताइए उस लड़की को सर आप इससे पहले जानते थे? अब साजिश इस वजह से है कि वो लड़की हमारे यहाँ से पास आउट भी नहीं बनी, 8th में पढ़ती थी, उसी समय उसके पापा ले गए और ये बता रहे हैं डिप्रेशन का शिकार है उनकी बच्ची। तो डिप्रेशन के शिकार में बच्चा 9th भी पढ़ती है, 10th भी पढ़ती है, फिर पटना में जाकर नीट की तैयारी भी करती है, बच्चे को कहीं डिप्रेशन नहीं है। माता पिता ने उसे पटना में अकेले क्यों छोड़ दिया, बच्ची जब डिप्रेशन में रहती थी, यानी अभिभावक सीरियस नहीं थे उसके बीमारी के प्रति, या उसको बीमारी थी ही नहीं, ये क्या हो? वो चीख चीख के और चिल्ला चिल्ला के यह बता रही है कि आपके बेटे के बारे में मतलब कि मुझे 5 सालों तक मतलब कि मेरे साथ दरिंदगी किया, उस तरह से मतलब कि घसीट घसीट कर मेरे साथ वीडियो बना के वो मेरे साथ गलत करते रहा, ये कहां तक सच्चाई है? इन वीडियो की भी जांच की जाए, जितने भी वायरल वीडियो हो अगर उसकी सही ढंग से लैब में जाँच होगी तो पता चलेगा ये सब मैनिपुलेट है, ये सब बनाया हुआ वीडियो है, ये रचित वीडियो है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस तरह का जो सीन क्रिएट किया गया है, ये सीन क्रिएट का वो स्थान ही नहीं है, क्योंकि जिस स्थान को लड़की बता रही है उस स्थान के जस्ट बगल में अकाउंट्स है और वहाँ हमेशा लोगों की भीड़ रहती है, हमेशा लोग वहाँ बैठे हुए रहते हैं या किसी काम से खड़े रहते हैं। अच्छी एक बात बताइए सर, आप बार बार बोल रहे हैं मतलब प्लानिंग करके साजिश करके हमारे बेटे के ऊपर इस तरह से जो आरोप है लगा रही है वो लड़की, अच्छी की बात बताइए, वो जो अपना जीवन का सबसे बड़ा चीज़ होता है इज्जत सर, क्या अपने इज्जत को भी दांव पे लगा सकती है एक लड़की किसी पे आरोप लगाने के लिए? लगता तो है कि बहुत कष्टकारक चीज़ आपने पूछा है, ये नहीं हो सकता है जी। लेकिन मुझे भी ये आश्चर्य होता है कि जिस लड़की के साथ 5 साल पहले ये घटना हुई, ये घटना आज की उजागर हो रही है जी। हमें बस इतना ही चाहिए, और डिप्रेशन में कोई बच्ची है तो बच्ची बाहर कैसे पढ़ रही है, बच्ची बाहर जा रही है तो माता पिता क्यों नहीं उसके साथ रह रहे हैं, उस बच्ची को अपने पास क्यों नहीं रख रहे हैं, बच्ची सोशल मीडिया में कैसे इतनी एक्टिव है, उसके मोबाइल पर देखिए, चूँकि उसी बच्ची की बहुत सारी सहेलियों का भी हमें
अलग अलग तरह से। अच्छा सर एक बात बताइए सर, आप उस बच्ची को आप अपने स्कूल में कितने दिनों तक आपने पढ़ाया है? वो नर्सरी से यहाँ पढ़ रही है। नर्सरी से लेके कितना क्लास तक? नर्सरी से सिक्स तक इस ब्रांच में पढ़ी है, एकेडमी में। जी एकेडमी में जी, लगभग में 5-6 साल पढ़ी है इस आपके स्कूल में? बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें अक्सर बीमार रहती थी, उसके पापा को मैं बुलाता था और उसके पापा आकर उस बच्ची को घर ले जाते थे जी। और ये परंपरा लगभग महीने में 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, एक तो आती ही कम थी और महीने में ये उसके दर्द का ये था वो 6-7 बार होता ही था। और जब इसके पापा वहाँ पर इस बच्ची को लेकर उस ब्रांच में मिन्हा ब्रांच पर गए, हमने उसके पापा से खुद कहा था कि भाई इसको आप यहाँ क्यों ले आए, वहाँ 8 तक की पढ़ाई तो वहाँ होती है उस ब्रांच में। तो उन्होंने कहा कि इसकी इच्छा है, उस लड़की की इच्छा है। हम कहे इच्छा बेकार है, क्योंकि आपको फिर यहाँ बीमार पड़ेगी तो हमारा टेंशन बढ़ेगा, हमको फिर खबर करना पड़ेगा आपको, और फिर आपको आना पड़ेगा उतनी दूर से। अच्छा एक उसमें आरोप उसके एक आपके स्कूल की एक मैडम है उस पर भी आरोप लगा दिया जा रहा है कि जब मेरे साथ दरिंदगी की तरह मतलब कि कर रहे थे, जो आपका बेटा है वो मैडम भी इन्वॉल्व थी। क्या वो मैडम सच में इन्वॉल्व थी? वो मैडम इतनी स्ट्रिक्ट थी या स्ट्रिक्ट है, इसके कारण ही उसका नाम उजागर हो रहा है। और दूसरी बात, उस मैडम के साथ एक क्रिकेट वाली कहानी जुड़ी हुई है। जी सर, दो शब्दों में आपको क्रिकेट वाली कहानी आप सुना दीजिए, दो शब्दों में। शहर में दो संघ हैं क्रिकेट के जी। एक संघ में ये अध्यक्षा थी जी, और दूसरे संघ वाले को इसकी इससे तकलीफ था जी। और इसी तकलीफ का खुन्नास लोगों ने इस समय फायदा उठाया। अच्छा एक बात बताइए सर, आप जो लड़की यहाँ पे आपके मतलब कि स्कूल में पढ़ने के लिए आती थी, कहीं ना कहीं आपका मतलब कि दोस्त भी थे? एकदम सर, मतलब कि जो आपके मतलब कि जो दोस्त हैं उनकी बेटी आपके बेटे पे इस तरह से आरोप लगा देते हैं, क्या सर ये तो मतलब मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अफसोस तो इसी बात का है कि हमारे दोस्त को जो है एक बार भी हमें कॉल करके बोलने का मौका नहीं मिला। अगर कोई बात उनके जहन में गई तो किस तरह गई, उन्होंने तो कभी हमें यह सूचित नहीं किया, वो कभी हमको नहीं बताए। वो बता सकते थे ना, टेलीफोन पर मित्रता थी तो बताते थे, बहुत सारी बातें वो फ़ोन पर करते थे, फी वगैरह के संबंध में भी तो बातें करते थे जी। हमें इसकी सूचना देनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने दिया नहीं। अच्छा जो बेटा आपका सुमित है जी, उस बेटे का शादी हो चुका है क्या? बिल्कुल 3 साल हो गए उसके शादी के, उसके बाल बच्चे भी हैं। 3 साल हो चुके हैं, बाल बच्चे भी हैं जी। कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चे हैं। आपके कितने बेटे हैं? हमारे मात्र दो। दो बेटे हैं जी। ये बेटा सुमित बड़ा वाला बेटा था कि छोटा वाला बेटा? ये छोटा है। अच्छा छोटा है, तो ये जो आप बोल रहे हैं आरोप लगा रहा है, जबरदस्ती आरोप लगा रहा है, तो किसी पे भी आरोप लगा दिया जा सकता है ऐसा प्रतीत होता है? अब तो ये तो बात जब सिद्ध होगा या कोई बात होगी तब ना, अब तो ये हमको और क्या हमसे दुश्मनी होगी किसी को, इसमें तो कहीं कोई चीज़ हमको लग ही नहीं रहा है। अगर मेरा बेटा अपराधी होगा या मेरे बेटे पर कोई इस तरह की अलचना है, अगर वह सिद्ध होता है तो फांसी उसको दे देना चाहिए, हमें उसका मलाल कहाँ है? गलत गलत है, सही सही है, अगर उसने गलती की है तो एकदम उसको फांसी लगना चाहिए। मैं बाप हूँ फिर भी कह रहा हूँ, मुझे उसका नहीं मलाल है। अच्छा आपके बेटे को कब जो है गिरफ्तार कर लिया गया? मेरे दुख तो इस बात का है कि मुझे कोई सूचना नहीं है, और वो पटना से ही उसे उठा लिया गया। पटना से जी। जिस तरह जिस समय वो लड़की बयान दे रही थी अपने सोशल मीडिया पे, उस समय आपका बेटा कहाँ था? उस समय मेरा बेटा कहाँ था? पटना में ही था क्या? नहीं पटना तो वो राज्यपाल महोदय का कोई नई शिक्षा नीति पर कोई अभिभाषण था, उसी में बड़ा लड़का हमारा इन्वाइटी था तो वह उसी अभिभाषण में गया था। तो छोटा भाई भी कहा बहुत ज़्यादा यहाँ परेशान हो रहे हैं भैया, चलिए छुट्टी है ही रविवार है ही, चलिए पटना के साथ चलते हैं। तो बड़ा बेटा के साथ ही वो पटना में गया था। ये देख सकते हैं दूसरे दिनों की टिकट भी बनी हुई थी। अच्छा और हम लोग घबरा भी रहे थे कि क्यों नहीं उसका लिंक क्लियर हो रहा है। बेटे के सफाई के बारे में कुछ कहना चाहेंगे दर्शक को? बेटा तो ठीक है, मेरा पॉकेट साफ है। अगर आपका बेटा इस तरह से दरिंदगी वाला कदम जो है वो उठा सकता है कभी? ऐसा तो हमें एहसास नहीं हो रहा है, कोई हमें ऐसा साक्ष्य दिखा भी लोग नहीं रहे हैं। ये केवल एडिट वीडियो भेज कर नहीं काम चलेगा, अगर उनके पास सही वीडियो है तो वो केवल मुझे ही वायरल कर देना, केवल मेरे पर दे देना, जब मुझे एहसास हो जाएगा तो मैं अभी से ही उनके यहाँ एक्सक्यूज करने चले जाऊँगा। ये देख सकते हैं उनके पिताजी हैं। और ये अच्छा बात, ये अंकल जी आप किसी पे आरोप भी लगा रहे हैं मतलब कि इस तरह से जो कदम अभी मेरा किसी पर कोई आरोप नहीं है, चूँकि वो बेटा है
और बेटे से ज़्यादा हमारी प्रतिष्ठा हमने 40 वर्षों में कमाया है। इसको बहुत मेहनत से, सर जमी से, एकदम मिट्टी से। मैं एक ट्यूशन पढ़ाता था, साइकिल से, साइकिल शॉप टीचर था मैं, साइकिल से लोगों के डोर टू डोर में जाता था पढ़ाने। मैं एकाएक इस जगह पर नहीं हूँ, इस शहर को 40 वर्षों का मेरा देन है। 40 वर्ष हमने त्याग किया है, आज उसका फल हमें मिल गया, हम स्वीकार किए। आगे फिर मैं शुरू करूंगा, अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो। ये देख सकते हैं सुमित जी का पिताजी हैं, ये किसी पे हालांकि आरोप नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, आप पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद करना चाहते हैं? न्याय। क्या पुलिस प्रशासन पे आपको पूरा विश्वास है? सुरक्षा करें पुलिस प्रशासन पे। हमारे यहाँ से जुड़े हुए लगभग 80-90 परिवार का घर चलता है, 80-90 टीचर्स का, स्टाफ का, नॉन टीचिंग का, सबका परिवार चलता है इस विद्यालय से। उन सब बातों को ध्यान से सोचे, किसी पर कमेंट्स कर देना, किसी पर कुछ लिख देना, उस पर विचार करना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए और सोचकर ही कुछ बोलना चाहिए। गलत है तो गलत बोलना चाहिए, लेकिन गलत सिद्ध होना चाहिए, मौखिक गलत नहीं, गलत नहीं है। बिल्कुल। और आप देख रहे थे प्रमुख भारत और सुमित के पिताजी के बारे में, और सुमित के और उनके परिवार के बारे में, और जो लड़की आरोप लगा रहे हैं इनके बेटे पे, उनके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या यह आरोप सही है या गलत है? क्या इनकी जांच होना चाहिए या जांच नहीं होना चाहिए? सारे सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख भारत, रविकांत शर्मा के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।